Hello student, I am Kavita and this is part 4 of our chapter The Portrait of a Lady. So let's start our video with the question answer of this chapter. Mention the three phases of the author's relationship with grandmother before he left the country to study abroad. वो तीन phases बताने हैं जो author और उसकी grandmother के relationship में आई जब वो abroad गया था पढ़ने के लिए उससे पहले. द थ्री फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर गिवन बिलो. ये तीन फेजेज जो हैं वो नीचे दिए गए हैं. द फर्स्ट फेज वॉज द पीरियड ऑफ द ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड. पहला फेज ऑथर के चाइल्डहुड में आया जब वो छोटा था. ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज. इस फेज के दौरान वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था विलेज में. द ग्रैंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ हिम from waking him up, getting him ready to accompanying him to the school. और grandmother जो है वो उसके साथ जो है उसका ध्यान रखती थी, उसको उठाती थी, उसको तैयार करती थी school के लिए और उसके साथ school जाती थी. बहुत shared a good friendship with each other. दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी मित्रता share करते थे. The second phase was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with author's parents. और जो सेकेंड फेज़ जो कब सामने आया वो जब आया जब ऑथर जो है और उसकी ग्रैंड मदर सिटी में चले जाते हैं ऑथर के पेरेंट्स के पास. दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप. और ये एक मोड़ था उन दोनों के रिलेशनशिप में, उनकी मित्रता के रिलेशनशिप में. नाउ दिस लेस ऑफ अदर ईच अदर्स. अब वो दोनों एक दूसरे को कम ही देखते थे. द थर्ड फेज़ वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी. और जो थर्ड फेज था वो टाइम था जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया था. ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ऑन. और जो क्या था उसे एक खुद का जो है रूम दे दिया गया था अलग से. एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और उनकी फ्रेंडशिप में जो एक कॉमन लिंक था वो क्या हो गया, वो टूट गया. द ग्रैंड मदर्स टर्न टू व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर ऑल डे लॉन्ग. और ग्रैंड मदर जो थी वो अपने चरखे को काटती रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर ऑल डे लॉन्ग. और सारा दिन जो है अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को जो है गाती रहती. सी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद साइलेंस. और वो सिर्फ क्या थी उसके साथ, उसकी जो एकांत और जो कि शांति के साथ था और उसी के साथ वो आराम से अपना काम करती रहती. मैंशन थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. वो तीन रीज़न आपको बताने हैं जो कि वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब. क्यों जो ऑथर की ग्रैंड मदर है जो उससे डिस्टर्ब हो गई. व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो जाने लगा था सिटी स्कूल में. वो तीन रीज़न क्या थे. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बिकॉज. वो तीन जो कारण ऑथर की ग्रैंड मदर जो जिससे डिस्टर्ब हो गई थी जब ऑथर जो है स्कूल जाने लगा था. फर्स्ट है सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन इन इंग्लिश. क्योंकि वो एक तो उसके लेसन के पढ़ने में उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, उसके इंग्लिश के चैप्टर में, उसके साइंस के चैप्टर में. सी डिडंट बिलीव इन दैम. और वो इनमें विश्वास भी नहीं रखती थी. नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. और सेकेंड थिंग ये थी कि जो ऑथर की जो स्टडी के अंदर ना तो भगवान और ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी जो है जानकारी दी जाती थी. सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन. और वो इस चीज़ से भी दुखी थी क्योंकि एक जो विचार था म्यूजिक लेसन का बीइंग गिवन एट स्कूल, जो कि स्कूल में दिया जा रहा था संगीत का जो भी लेसन था. सी कंसिडर म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी. और वो ये समझती थी कि जो म्यूजिक है वो जो उन्हीं लोगों के लिए सुटेबल है जिनकी जो गरिमा जो है बहुत कम होती है. मैंशन थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप. वो तीन आपको रास्ते बताने हैं इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे, जिसके अंदर या वो तीन तरीके बताने हैं जिसमें ग्रैंड मदर जो थी स्पेंड करती थी हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, अपने उन दिनों को जब वो बड़ा हुआ. द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर बाय स्पिनिंग व्हील्स. वो तीन जो वेज थे जिसमें ग्रैंड मदर जो है अपना पूरा दिन स्पेंड कर देती थी जब ऑथर बड़ा हो गया, तो वो क्या था, स्पिनिंग व्हील्स यानी चरखे को काटना, रिसाइटिंग प्रेयर को बोलना एंड फीडिंग द स्पैरो, और स्पैरो का जो है फीड कराना, स्पैरो को रोटी डालना. सो मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डाइड. आपको मैं तीन जो ऑड वे अलग वो तरीके इन विच द ऑथर ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डाइड, जिन तरीकों से ग्रैंडमदर ने अपने मरने से पहले बिहेव किया था वो ऑड वे इसलिए बोला गया क्योंकि वो बिल्कुल अलग थे उसकी लाइफ से, वो जैसे अपने रूटीन को फॉलो करती थी उससे बिल्कुल हटके थे, इसलिए उसको ऑड वे कहा गया. तो उस ऑड वे को आपको यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करना है. तो द आंसर इज द ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर, सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम्स. सो ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली, ग्रैंड मदर ने फैमिली को कहा दैट हर एंड वॉज नियर, उसका नज़दीक है. सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, और वो प्रार्थना में जो है लग जाती है. सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो एक क्षण भी जो है हमसे बात करके खर्च नहीं करना चाहती थी. सी ले पीसफुली इन बैड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और वो शांति से लेट जाती है अपने बेड के ऊपर टेलिंग हर बेड्स और अपने मन को गिनती हुई और भगवान का नाम लेती हुई. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज मैंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड. वो आपको तरीके बताने हैं इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो, जहाँ चिड़ियों ने अपने जो है सोरो को अपने दुख को प्रेजेंट किया था. व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की ग्रैंड मदर जो है वो मर गई. द स्पैरो एंड द ग्रैंड मदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप इन दिस मैनर, क्योंकि जो चिड़िया थी और ग्रैंड मदर थी उनके अंदर एक जो है आंतरिक रिलेशनशिप जो है डेवलप हो गया था इन दिस मैनर, इस तरीके से. व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड थाउजेंड ऑफ स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो बाय सिटिंग स्कैटर्ड इन द वेरेंडा इन मॉर्निंग वाइल ग्रैंड मदर्स डेड. और जो क्या थी, ग्रैंड मदर जब मर गई थी, थाउजेंड ऑफ स्पैरो हजारों की संख्या में जो स्पैरो थी एक्सप्रेस देयर सोरो, वो अपने सोरों को व्यक्त कर रही थी, अपने दुख को दिखा रही थी. बाय सिटिंग स्कैटर्ड इन द वेरेंडा, कैसे कहो के वहीं वेरेंडा के अंदर सभी जो स्कैटर्ड एक तरह से बिखरी हुई यानी बैठ गई सभी. इन मॉर्निंग वाइल एक दुख के साथ, वाइल ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी ले देया, जबकि ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी है वो भी वहीं पर पड़ी थी. दे डिड नॉट चिर्प, वो बिल्कुल भी नहीं चहचहाई. ऑथर्स मदर छू सम पीस ऑफ ब्रेड, ऑथर की माँ ने उन्हें कुछ ब्रेड के पीसेस भी दिए. बट दे डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने नहीं खाया उसे. व्हेन दे कैरेड ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब वो उठाकर ले गए ग्रैंड मदर के मृत शरीर को तो वो साइलेंटली वहाँ से उड़ गई. दस द स्पैरो मॉर्न हर डेथ एंड पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड ओल्ड लेडी. और इस तरह से जो स्पैरो ने अपने दुख को व्यक्त किया उनकी मृत्यु पर, एंड पेड देयर साइलेंट, और अपनी उस साइलेंट को पे करके ट्रिब्यूट किया, श्रद्धांजलि दी टू द ग्रैंड ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत को, इन अ वेरी यूनिक मैनर, एक बड़े ही दुर्लभ तरीके से. सो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस. ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो एक धार्मिक जो औरत थी. वट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस, वो कौन से तरीके थे जिनसे हमें ये पता लगता है कि वो ऐसी थी. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट. ऑथर की ग्रैंड मदर जो थी वो एक धार्मिक लेडी थी विद अ काइंड हार्ट, और एक दयालु दिल की औरत थी. हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, उनका ही एक हाथ हमेशा बिजी रहता था उन मनकों को गिनने में अपनी माला की. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होठ जो है लगातार बोली जाने वाली, इनऑडिबल मतलब जिसको सुना ना जा सके, ऐसी प्रेयर में बिजी रहते थे. सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह जल्दी उठती थी. सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग, और वो क्या करती थी, अपनी सुबह की जो प्रेयर थी, सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग, और ऐसे एक नीरस से गीत के साथ लगातार गुनगुनाती रहती थी. एवरी डे सी वेंट अलोंग विद द ऑथर टू हिज स्कूल, हर रोज वो जाती थी ऑथर के साथ स्कूल में. एंड वाइल नरेटर स्टडीज सी सैट इन अ टेम्पल, और जबकि वो बैठ के पढ़ता वहाँ पे, सी सैट इन अ टेम्पल, वो टेम्पल मंदिर में चली जाती. एंड रेड स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पे स्क्रिप्चर्स को धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ती. लेटर इन द सिटी सी वॉज अनहैप्पी, बाद में सिटी के अंदर वो बड़ी दुखी थी. दैट देर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग एट स्कूल, क्योंकि वहाँ पे किसी भी धार्मिक जो है
पढ़ाई को नहीं करवाया जाता था। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, सी स्टॉप टॉकिंग एट हर फैमिली, उसने बात करना बंद कर दिया अपने परिवार से, फैमिली मेम्बर से, एंड टर्न टू प्रेयर, और प्रार्थना में लग गई, एंड काउंटिंग द बेड्स, और अपने उन बेड्स को, अपने उन मनकों को जो है वो गिनने लग जाती है जो माला के थे। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप, वर्णन कीजिए उस चेंजिंग रिलेशनशिप को, बदलते हुए उस रिलेशनशिप को बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर, जो कि ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में बदले थे। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी भावनाएं भी एक दूसरे के प्रति चेंज हो गई। द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस डिड हैव अ बियरिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, कहता है कि जो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस थे, वो परिस्थितियाँ थी बदलाव की, डिड हैव अ बियरिंग ऑन द रिलेशनशिप, वो आ गई थी उस रिलेशनशिप में बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर, दोनों के बीच में। ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज इंटीमेट फ्रेंडशिप इन द विलेज, ऑथर और ग्रैंड मदर एक आंतरिक जो है मित्रता के साथ बंधे हुए थे गांव में। अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप, एक बदलाव जो उनके रिलेशनशिप में आया, व्हेन दे केम टू द सिटी, जब वो कहाँ आ गए, शहर में आ गए, टू लिव विद ऑथर्स पेरेंट, और कहाँ रहने लगे, ऑथर के पेरेंट के साथ रहने लगे। द ऑथर ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, और ऑथर ने वहाँ पे जाके एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया शहर में। सी रिमेन कन्फाइंड टू होम एज हेयर, सी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू द स्कूल, और वो कहाँ, घर पे ही रह जाती, और वो मुझे जो है, सॉरी, ऑथर को जो है वो स्कूल तक कंपनी नहीं दे पाती थी। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल सी कुडंट हेल्प हिम इन स्टडी, और नई इंग्लिश स्कूल के अंदर सी कुडंट हेल्प हिम इन स्टडी, वो उसकी पढ़ाई में मदद भी नहीं कर सकती थी। सी कुड नॉट लाइक द काइंड ऑफ एजुकेशन बींग गिवन टू द ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उस तरह की उसको शिक्षा का भी उसे उस तरह की वो शिक्षा भी उसे पसंद नहीं थी जो ऑथर को दी जाती थी इंग्लिश स्कूल में। द ग्रैंड मदर बिकेम डिस्टर्ब एज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर इन द न्यू स्कूल, और ग्रैंड मदर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब भी रहती थी क्योंकि वहाँ पे स्कूल में भगवान या किसी भी धार्मिक ग्रंथों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। सी रिकॉन्सल्ड हरसेल्फ विद स्पिनिंग एंड टेकिंग टू फीड द स्पैरो, वो अपने आप को बिजी रखती थी व्हील को चलाने में, कातने में, एंड टेकिंग टू फीड द स्पैरो, और स्पैरो को फीड कराने में। व्हेन द नरेटर ग्रू अप, जब नरेटर बड़ा हो गया, ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और वो गया यूनिवर्सिटी, एंड देन वेंट अबोर्ड, और उसके बाद में कहाँ चला गया, वो अब्रॉड चला गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज स्नैप्ड, तो उनका जो कॉमन रिलेशनशिप था उनके मदर का, ऑथर का और ग्रैंड मदर का, वो टूट गया। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और ग्रैंड मदर जो है एक्सेप्ट कर लेती है उस एकांत को विद रेजिग्नेशन, उस त्याग के साथ। नो देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज दो डिस्टेंस ग्रू बिटवीन दैम, नहीं, उनकी जो फीलिंग होती है एक दूसरे की वो कभी चेंज नहीं होती, पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाते हैं दोनों के बीच में, जबकि दो डिस्टेंस ग्रू बिटवीन दैम, जबकि उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, क्या आप इससे सहमत हैं कि ऑथर की ग्रैंड मदर जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जो पर्सन थी। इफ़ यस गिव इंस्टेंस दैट शो दिस, अगर सही है तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दीजिए। आंसर, यस द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, हाँ वो एक दृढ़ निश्चय वाली या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लेडी थी। द इंस्टेंसेस टू प्रूव दिस आर गिवन बिलो, वो बातें जो इसको प्रूव करती हैं वो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, सी वॉज अ पिक्चर ऑफ कंटेंटमेंट, क्योंकि वो क्यों हैं ऐसी, क्योंकि वो एक संतुष्टि की तस्वीर हैं। सी हैड हर ओन थाट्स अबाउट द लर्निंग एट स्कूल, उनकी जो क्या थी, खुद की जो सोच थी अबाउट द लर्निंग एट स्कूल, कि स्कूल में पढ़ाने की। सी कंसिडर्ड द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, वो सहमत थी कि उन्हें जो है धार्मिक ग्रंथों की टीचिंग दी जानी चाहिए, उन्हें टीच करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, टू बी मोर फ्रूटफुल देन साइंस एंड म्यूज़िक, और वो साइंस और म्यूज़िक की बजाय ज़्यादा
जो हैं अच्छे साबित होंगे। इन हर फेज ऑफ लोनलीनेस एंड सेक्लूजन, अपने उस फेज के अंदर जब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, सेक्लूजन तन्हा हो गई थी, सी टुक टू व्हील स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरो, तो वो क्या करती थी, व्हील स्पिनिंग मतलब चरखा काटती रहती थी और स्पैरो को फीड करवाती रहती थी। सी अपीयर्ड कंपोज्ड एंड डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशंस, और वो ऐसी लगती थी जैसे बिल्कुल वो चुप थी और किसी भी तरह से अपने इमोशंस को वो जो है सामने जो बताती नहीं थी। व्हेन ऑथर डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी, जब ऑथर ने ये निश्चय किया कि वो कहाँ चला जाएगा, अब्रॉड जाएगा पढ़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस इमोशन को अपने अंदर ही रखा, डिस्प्ले नहीं किया। इग्नोरिंग एवरी वन हु ट्राइड टू स्टॉप हर, सी सेइंग फॉर सेवरल आवर सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, और इग्नोरिंग एवरी वन हर एक को इग्नोर करती हुई, हु ट्राइड टू स्टॉप हर, जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, सबको उसने इग्नोर कर दिया। सी सेइंग फॉर सेवरल आवर्स, और वो लगातार कई घंटों तक गाती रही, सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, और उसको सेलिब्रेट करती रही कि उसका जो है ग्रैंडसन वापस आया है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ, इग्नोरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ हर फैमिली मेम्बर, और अंतिम जो कुछ क्षणों में उसने अपने फैमिली मेम्बर की के जो है प्रोटेस्ट को, क्योंकि उन्होंने उसका जैसे वो विरोध कर रहे थे, उनको उसने इग्नोर कर दिया। सी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन, उसने सभी से बात करना बंद कर दिया। टुक टू रिसाइटिंग प्रेयर, और करने लगी अपनी प्रेयर्स को गुनगुनाने लगी। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने मनकों को, माला के मनकों को गिनने लगी। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन होम यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, तो कहते हैव यू नोन, क्या आप जानते हैं कुछ समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, कि कोई ऐसे जो कि ग्रैंड मदर की तरह हैं। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस, क्या वो बिल्कुल इसी तरह की जो सेंस को फील करते हैं लॉस की, विद रिगार्ड टू समवन हुम यू हैव लव्ड और लॉस्ट, और किसी के लिए जिसको आप बहुत प्यार करते हो या जो आपसे जो है छूट गया है। सो इन क्वेश्चंस को आप जो है खुद आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर, सो ये लैंग्वेज के से रिलेटेड है। विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव इन योर फैमिली, किस टाइप की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं अपने बड़ों के लिए। सो काफ़ी बड़ी जो है वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।